नटेरन में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ नटेरन ने रघुकुल विद्या मंदिर हाई स्कूल सेऊ में राज्य कर्मचारी संघ का स्थापना दिवस मनाया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के तहसील संघ चालक हरिओम शर्मा जी ने भारत माता और विश्वकर्मा भगवान के चित्र पर माल्यार्पण किया। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने अपने उद्बोधन में कहा कि राज्य कर्मचारी संघ एक मजबूत और क्रियाशील संगठन है, हमेशा कर्मचारियों के हित की सोचता है, कर्मचारियों के हित के लिए काम करता है, देश के हित में करेंगे काम के लेंगे पूरे दाम और देशभक्ति पर बल देता है। कार्यक्रम का गीत संगठन मंत्री शिव प्रकाश विश्वकर्मा गाया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षक गुलाब सिंह रघुवंशी, सचिव राम बाबू रघुवंशी आदि मौजूद रहे। भारत जोड़ो, महंगाई से नाता तोड़ो, भारत जोड़ो, बेरोजगारी से नाता तोड़ो, भारत जोड़ो, युवाओं को साथ दो, भारत जोड़ो। यही तो भारत जोड़ो यात्रा है। आज पूरे देश में और प्रदेश में वर्तमान सरकारों ने भय और आतंक का वातावरण बना रखा है। जाति को दूसरी जाति से लड़ाया जा रहा है, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाया जा रहा है और मूल विषय गौड़ कर दिए जा रहे हैं। कहाँ है महंगाई की स्थिति, कितना है भ्रष्टाचार, कितनी है बेरोजगारी, ये हम नहीं कहते, ये हमारे मीडिया के साथ ही कहते हैं। ये अलग बात है, गोदी मीडिया दिखा नहीं पाती, क्योंकि मुझे नहीं पता वो कितने उपकारों से दबे हैं, मगर मीडिया के कुछ साथी निर्भीक तौर पर लगातार इन सब बातों को उठा रहे हैं। मूल उद्देश्य है भारत जोड़ो यात्रा की उपयात्राएँ निकल रही हैं। गंज बासुदा में भाई रवि तिवारी जी के कुशल मार्गदर्शन में, ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस के संयोजन में हमने भारत जोड़ो यात्रा आज बासुदा में गांधी चौक से प्रारंभ कर और उस स्थान पर लाल पठार पर जहाँ बस 13 लोगों की दुख, आज कांग्रेस पार्टी और बहुत सारे सामाजिक संगठनों ने और नगर के नागरिकों ने मिलकर महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती के अवसर पर गांधी चौक से गांधी जी को याद करते हुए भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। यहाँ आकर लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि हम लोगों ने अर्पित की है और हमारा इस भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य ये, हमारे नेता राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि इस यात्रा का कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, यदि इसका राजनीतिक उद्देश्य होता तो हमारे साथ कोई सामाजिक संगठन नहीं जुड़ता, सिर्फ कांग्रेस पार्टी होती। हमारा ये है कि आज देश में जो घृणा का माहौल पैदा किया जा रहा है, जो भाई भाइयों से लड़ाने का काम किया जा रहा है कुछ सत्तारूढ़ पार्टियों द्वारा, कुछ संगठनों द्वारा, हम चाहते हैं भारत की विशेषता रही है अनेकता में एकता, हम चाहते हैं कोई पुराना भारत, एक भारत और बिल्कुल सशक्त भारत का निर्माण करें, और इसी उद्देश्य को लेकर हम हमारे नेता और कई समाजसेवी संगठन भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में, हमारे नेता 3570 किलोमीटर पूरे देश में पैदल चलेंगे और उनके समर्थन में हम लोग पूरे देश में इन यात्राओं का आयोजन करेंगे और लोगों से कहेंगे कि आज जरूरत है महंगाई से लड़ने की, आज जरूरत है बेरोजगारी से लड़ने की, आज जरूरत है किसानों की आय दोगुनी करने की, जो कि वर्तमान सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था, किसानों की आय आधी हो गई है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। पहली बार देश में आत्महत्या करने वालों में सबसे ज़्यादा नाम दिहाड़ी मजदूरों का है, ये बड़ा अफसोस की बात है। हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने मनरेगा योजना मजदूरों के लिए शुरू की थी और मजदूर सशक्त होकर उभरा था, मगर आज दुर्भाग्य है कि सबसे ज़्यादा भारत में मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं के प्रति लड़ाई लड़े, ना कि आपस में लड़े, हम घृणा छोड़कर प्यार बढ़ाने के लिए।